अभी अवार्ड मिल चुका है एंड रिया मैम के। हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का हमारे नए व्लॉग में। तो भाई आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, स्पेशली मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। तो भाई आज आपको भाई को मिलने वाला है सेकेंड अवार्ड, वो भी भाई एक बॉलीवुड स्टार के हाथ ही। वो बॉलीवुड स्टार आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, बट हाँ आज हमको अवार्ड मिलने वाला है। वो कहाँ पर? नोएडा की फिल्म सिटी में, जो उत्तर प्रदेश में नोएडा है उसकी जो फिल्म सिटी है वहाँ पर मैं पहली बार जा रहा हूँ। बेसिकली मैं अभी तक मुंबई की फिल्म सिटी घुमा हूँ, बट नोएडा की फिल्म सिटी में पहली बार जा रहा हूँ और आज वहाँ पर अवार्ड मिलने वाला है। तो भाई फिलहाल मैं हूँ गुड़गांव के अंदर अपने ही मामा जी के घर पर, और फिलहाल यहाँ से मैं निकल रहा हूँ और अवार्ड फंक्शन स्टार्ट होगा लगभग 3-4 बजे से। तो मैं सीधा जाऊँगा नोएडा, नोएडा मेट्रो पे, और वहाँ से मैं जाऊँगा लक्ष्मी स्टूडियो जो कि है भाई नोएडा फिल्म सिटी के अंदर। टी सीरीज का स्टूडियो है वो। तो वहाँ से इवेंट स्टार्ट होगा और जो भी होगा मैं आप लोगों को वहाँ पर जाके दिखा दूँगा। बेसिकली तबीयत मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, सही बताऊँ काफ़ी ज़्यादा डेंजर कंडीशन है मेरी, बट हाँ मैं फिर भी अटेंड करने जा रहा हूँ और आप लोगों को सारी चीज़ दिखाऊँगा ब्लॉग में आगे। तो फिर निकलते हो, हम लोग जा रहे हैं अभी और ये सेक्टर 18 है, तो हम लोग सेक्टर 18 पहुँच गए और अब जा रहे हैं भाई इवेंट में। मेरे को देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक स्पेशल पर्सन से मिलवाने वाला हूँ मैं, तो वो कौन होने वाला है आप लोग गैस करो। आप लोग गैस तो कर चुके होंगे थंबनेल देख के, बट और ज़्यादा गैस कर लो क्योंकि गैस करना ज़रूरी है, गैस बहुत महंगी है। चलते हैं भाई। हम लोगों ने भाई लक्ष्मी स्टूडियो जाने के लिए लिया है ऑटो लिया है यहाँ से, और यहाँ से फिल्म सिटी जा रहे हैं हम लोग नोएडा की फिल्म सिटी। ठीक है चलो भाई, फिलहाल मैं पूछ गया भाई नोएडा की फिल्म सिटी है भाई इसके अंदर, ठीक है जो भी है नोएडा की फिल्म सिटी इसके अंदर ही है, तो हमको जाना है भाई लक्ष्मी स्टूडियो के अंदर। तो चलते हैं आगे, मेरे साथ जा रहा है दीपक भैया और भाई, चलो। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं भाई इवेंट जहाँ पर है ना वहाँ पर, और थोड़ा मतलब कि अभी मैंने चेंज कर लिया और वो फिल्म सिटी के अंदर लक्ष्मी स्टूडियो नाम से है। तो फिलहाल चलते हैं, खाना वाना खाते हैं और इवेंट स्टार्ट होगा। रिया चक्रवर्ती जी आएंगी तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। चलो ये है भाई लक्ष्मी स्टूडियो। सो गाइस अभी नया अवतार हमारा, और हमने भाई धारण कर ली पिंक जोन की टी शर्ट, ठीक है, और यहाँ पर हमको मिला खाना भाई खाने के लिए, बाकी सब लोग यहाँ पर खा रहे हैं तो खाना वगैरह खाते हैं। और पिक जोन का तो देख लिया होगा आपने, मेरे को इन्होंने ग्रीन टिक भी दे रखा है अपने अकाउंट पे। तो पहले खाना खाते हैं उसके बाद चलते हैं अंदर। सो गाइस फिलहाल इवेंट स्टार्ट हो चुका है, और मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को किसी स्पेशल पर्सन से मिलाने वाला हूँ। आप लोगों को आकांक्षा बोलता हूँ मैं इनको, और ये मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी है, मॉडलिंग करती है फिलहाल। तो क्या प्लान है अभी का? तो मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ, मतलब थक गई हूँ। फिर अभी रनवे मतलब मॉडलिंग का जो होता है, मॉडलिंग शो है। देखो यार हम हैं यहाँ पर ब्लॉगर्स, ये लोग हैं मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स एक उसकी मॉडल्स में मतलब मॉडल्स क्या नाम है, एक उसकी पर्सनैलिटी एंड एक फैशन शो, ये सब जानकारी देना मॉडल्स इसी को कहलाते हैं। तो ये अभी मतलब शो वगैरह होगा तो मैं पूरा अंदर का दिखा दूंगा, इसका वीडियो बनाऊंगा मैं। हाँ तो इनका वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल चले अभी आकाश है ना, तब से लेके अभी तक वीडियो शूट ही कर रहा है इनका, ठीक है। और इसके लिए मैंने इसके लिए भी यूज़ किया क्योंकि मैं सो रहा था मेरे सामने मेरी, और यही वीडियो वगैरह शूट कर रहा था मेरे लिए भी, ताकि यहाँ पर काफ़ी लोगर्स हैं और अभी रिया भी आने वाली है। देर बाद कुछ क्षण बाद रिया चक्रवर्ती इधर आ जाएगी, लगभग अभी बज चुका है टाइम तो लगभग 10 बज गए, 10:30 बजे तक रिया चक्रवर्ती इधर आ जाएगी। तो देखते हैं कैसा क्या सीन होता है। बाकी मेरी तबीयत तो काफ़ी ख़राब है काफ़ी ज़्यादा, तो चलो dresses and sab log lag raha kafi tired ho gaye abhi se, aapki taraf se clapping aur hooting hoti rehni chahiye, not for me yaar, it's all for the designers and the lovely kids and the models. kaise hain aap log? कैसा चल रहा है आज? दिल्ली आई हूँ, दिल्ली का मौसम बहुत ही खास लग रहा है मुझे। ऐसी क्या बात हो गई? बारिश हुई है मेरे ख्याल। हाउ इज द शो गोइंग? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू टू ऑल आवर स्पॉन्सर्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच रिया एंड
कैन वी हैव अ यूज और अप्लॉज फॉर रिया चक्रवर्ती सी केम फ्रॉम मुंबई यार एक बार जोरदार तालियां फॉर द ब्यूटीफुल गॉर्जियस रिया चक्रवर्ती सारा खान मेकओवर एंड टीम अभी रिया चक्रवर्ती सबको अवार्ड चाहिए सारा खान मेकओवर एंड टीम The next awardee we have Mr. Kuldeep Singh, Event Management Team. Mr. Kuldeep Singh, Event Management Team. फाइनल गाइस अभी अवार्ड मिल चुका है एंड रिया मैम के हाथ मिला है भाई मजा आ गया एकदम लेके नेक्स्ट बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर एंड वी हैव मिस्टर निशांत तिवारी भाई वेट कर रहा है कब अवार्ड का सो गाइस अभी क्या सीन है अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से गिफ्ट वगैरह और अवार्ड वगैरह मिल गया लगभग 11:30 बज चुके हैं और बैठ रहा हूँ तो जाएगी मेरी तो मैं घर नहीं जा पाऊंगा अरे अली बाय बाय जाना किधर है मिस लक्ष्मी फ्रॉम पिग जोन टीम 18 पार्क सेक्टर 16 जाना है चलता हूँ मैं ना मिस लक्ष्मी फ्रॉम पिग जोन नाउ कैन वी हैव ऑल द टीम मेंबर फ्रॉम आई प्रो स्वैप खत्म हो गए वो मिस्टर यामिन अली अले ले तू छोड़ दिया आकांक्षा मेरा नाम उसका नाम क्या है इसका आकांक्षा फिर से बोला मिस्टर यामिन अली बाय बाय सो गाइस फिलहाल हम लोग इवेंट से बाहर आ चुके हैं मेट्रो जा रहे हैं फिलहाल तो मेट्रो शायद मिले ना मिले बट अभी घर जाना है और अवार्ड मिल भी गया और काफ़ी अच्छा लगा और रिया चक्रवर्ती मिली तो काफ़ी ठीक था जो भी था अभी फिलहाल घर जा रहा हूँ और जाके एंड करता हूँ वहाँ पर जाके ब्लॉग तो आकाश भाई मेरे साथ जा रहे हैं फिलहाल है। और कैसा रहा आज का दिन बढ़िया था यार ठीक ठाक चलिए ठीक है घर चलते हैं फिर सुबह बड़ी बेकार थी यार लेकिन हाँ सुबह जो भी था वो आपने पहले वाले ब्लॉग में देख लिया होगा चलिए फिर चलते हैं सो गाइस इस ब्लॉग को है ना मैं आज एंड कर रहा हूँ लगभग 3-4 दिन बाद ये ब्लॉग शूट हुआ था भाई 30 का इवेंट था और आज हो चुकी है भाई 4 तारीख मतलब 4 तारीख हो चुकी है तो इस बीच मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ आप लोग खुद क्या सोच सकते हो भाई जिस नाइट को मैं आया था उस नाइट को मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था उसी रात को ठीक है और मैं ब्लॉग मतलब कर ही नहीं पाया था एंड ही नहीं कर पाया था वहाँ पर फिर 3-4 दिन तक मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी आप लोगों ने मैंने लाइव चलाया था उसमें भी देखा होगा आप लोगों ने मतलब तो काफ़ी डेंजरस कंडीशन हो गई थी मेरी लगभग 102-104 के लगभग बुखार पूछ गया डॉक्टर तो ये बोल रहा था भाई जिंदा कैसे है इंसान है इतना ज़्यादा बुखार था मेरे को बट हाँ फाइनली मैं फाइन हूँ लगभग फाइन हूँ अभी थोड़ा डॉक्टर ने बोला है कि मना किया है थोड़ा बोलने वगैरह से क्योंकि चेस्ट में काफ़ी पेन है बट मैं मैनेज करके कर रहा हूँ सब कुछ तो फिलहाल मैं भाई इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करता हूँ एंड यार आप लोगों का प्यार है मेरे आज तक कुछ नहीं हो सकता मेरे को मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में रहता हूँ काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता हूँ बट हाँ यार आप लोग हो मेरे पास तो मैं खुश रहता हूँ तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करता हूँ आप लोग अगर सब्सक्राइब अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार और लाइक तो आप लोग ठोक दो सही में ठोक दो यार लाइक तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करता हूँ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो काफ़ी अच्छा आने वाला है वो भी कुछ स्पेशल ठीक है मिलता हूँ बाय बाय